बुलंदशहर स्याना से एक मामला सामने आया है, जहां पर मंदिर निर्माण की रकम को लूट कर ले गए बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने अल सुबह लूट की घटना को अंजाम देते हुए मंदिर निर्माण के लिए रखी रकम लूट ली। तथाकुटी पर रहने वाले लोगों की निजी धनराशि व मोबाइल फोन पर भी लूट कर चंपत हो गए। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला मुख्यालय से SPCT ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें SOG क्राइम ब्रांच व सर्वेलेंस टीम शामिल है। लूट की उपरोक्त घटना स्याना CO सर्किल के नरसेना तथा अंतर्गत ग्राम बरहाना मार्ग पर स्थित कुटी पर हुई है। यहाँ रहने वाले बाबा दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोगों को जड़ी बूटी आदि देकर उनके रोगों आदि का समाधान करते हैं। यहाँ मंदिर के निर्माण के लिए दान संग्रह का कार्य काफी दिनों से चल रहा है। कुटी पर रहने वाले पार्श्वनाथ वर्मा ने बताया कि वह रात्रि में पूजा पाठ से निर्वत होकर सो गए थे, जबकि उनकी शिष्य व एक व्यक्ति भी कुटी पर मौजूद थे। प्रातः 3 बजे के दरमियान 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर उक्त दोनों को बंधक बनाते हुए उनके कमरे का दरवाजा खुलवाया तथा तीनों को बंधक बनाकर लूटपाट करने लगे। बदमाशों ने कुटी को खंगालते हुए मंदिर निर्माण हेतु रखी 2,10,000 रुपए की रकम लूट ली। लुटेरों ने कुटी पर रहने वाले तीनों व्यक्तियों की निजी धनराशि व मोबाइल भी लूट लिया। करीब 1 घंटे तक घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भाग गए। भोर होने पर ग्रामवासियों को घटना के विषय में पता चला, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर स्याना की पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा नरसेना थाना अध्यक्ष के साथ घटनास्थल पर पहुंची तथा पीड़ित व्यक्तियों से विस्तृत में जानकारी ली। SPCT ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश किया। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम पार्श्वनाथ वर्मा है जी, और मैं रात 1:30 बजे करीब में पूजा करके अपने कमरे में जा सो गया था। तो 1:45 बजे करीब में जो है यहाँ पर 3 आदमी आए, तो हमारे जो शिष्य हैं वो और हमारे चौहान साहब जिन्होंने जमीन दिया, इनको उनके हाथ पर बांध करके इनको ले गए मेरे पास, दरवाज़ा खुलवाया और पकड़ते तुरंत हमें दरवाज़े में घुसते ही मैं बांध दिया। उसके बाद अपना तोड़ा फाड़ी करके जो सामान ले गए। अच्छा, लगभग कितने रुपये की आपसे लूट हुई है? वो 2,10,000 करीब लगभग। इसे ये भी सामान मंदिर लिए रख रखा था, टाइल मंगवा लिया मजदूर के खर्च के लिए। देखिए, यहाँ पे बुगरासी कस्बे में एक जंगल में यहाँ पे कुटिया बनी हुई है, जिसमें 2 बाबा रहते हैं। ये कल रात में 2 बाबा के साथ एक आदमी और थे यहाँ पे, जिनकी अपनी ज़मीन है, जिन्होंने इनको जगह दी हुई है रहने के लिए। ये लोग यहाँ रहते हैं। कल बता रहे हैं कि रात में 3 व्यक्ति यहाँ पे आए और इनके मोबाइल फ़ोन एवं कुछ पैसे जो इनके पास थे वो लेकर चले गए हैं। इस संबंध में पूरी अभी जांच की जा रही है, टीम गठित कर दी है, शीघ्र ही इस घटना का निवारण किया जाएगा। मैम, कितनी टीमों को इस खुलासे के लिए गठित किया गया है? अभी जो इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं एवं सर्विलांस और SOG की टीम भी मौके पर आ गई है, जो तत्काल इस घटना का निवारण करने में हमें मदद करेंगी। मैम, पीड़ित परिवार की तरफ से कितने की लगभग कितने रुपये की लूट बताई जा रही है? अभी इनके द्वारा 2 लाख रुपये बताए गए हैं, और इसमें यही है कि ये यहाँ पर जो बाबा रहते हैं, ये यहाँ रह के जो कुछ दूर दराज से भी लोग आते हैं इनका इलाज करते हैं। इन पे कोई वैसे डॉक्टरी तो की डिग्री तो नहीं है, पर इनके द्वारा बताया जाता है कि लोग इनसे मिलते हैं और इनके जो द्वारा जो जड़ी बूटी दे के जो इनकी मदद की जाती है, जिससे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी भीड़ आती रहती है, लोग इनके पास आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जाँच पड़ताल में लगे हैं, जल्दी शीघ्र इसका घटना का निवारण किया जाए।